मैं राकेश बंटी बत्रा, चेयरमैन नगर पालिका कलानौर, आप सभी साथियों को, व्यापारी भाइयों को जन क्रांति यात्रा होटल में शामिल होने की अपील करता हूं। आप सभी व्यापारी भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 25 तारीख को होटल में जन क्रांति यात्रा में पहुंचकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। धन्यवाद। जय हिंद। कब तक चलेगा आंगनवाड़ी वर्करों का प्रदर्शन? इस धरना प्रदर्शन से किसका हो रहा है नुकसान? क्यों नहीं दिया जा रहा ठोस आश्वासन? किस इंतजार में है सरकार? क्या किसी बड़े आंदोलन का है इंतजार? ऐसे ही कई सवाल हर किसी की जुबान पर हैं, लेकिन इन सवालों का हल कौन निकालेगा और कब तक, ये देखने वाली बात है। झज्जर में लगातार 13 दिन से धरने पर बैठी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर कर्मचारी पूरी तरह से हताश और परेशान हो चली हैं। सरकारी नुमाइंदों से मुलाकात के बाद भी उन्हें उनकी मांगों के पूरा होने का कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला, लेकिन जिस तरह से इन कर्मचारियों का आक्रोश दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उससे भविष्य पर संकट के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब आंगनवाड़ी वर्करों का प्रदर्शन बड़ा रूप ले सकता है। इन कर्मचारियों को ये एहसास होने लगा है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि अब ये कर्मचारी किसी भी वक्त कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की ही होगी। कल के लिए भी आंगनवाड़ी वर्करों ने जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करने की चेतावनी दे दी है। जहां तक है, कल प्रदेश भर में हजारों की तादाद में आंगनवाड़ी वर्कर अपनी गिरफ्तारियां देंगी। आपको बता दें कि एक रोज पहले भी झज्जर में इन कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था, तब भी कुछ कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया था, जिसको लेकर भी ये कर्मचारी खासे नाराज है। साथ हमारी विभाग के प्रधान सचिव के साथ मीटिंग थी, तो उन्होंने जो हमारी छोटी छोटी मांगे थी उन पर डिस्कशन किया, बाकी हमारे को कोई ठोस मजबूत जवाब नहीं दिया, उन्हें कोई भी आश्वासन नहीं दिया। हम निराश होकर वापस लौट आए और ये बोला गया कि तुम्हारी फाइल सीएम साहब के पास भेज देंगे, अगर वापस फाइल आ क्या जवाब मिलता है तो तुम्हारे मीटिंग के लिए दोबारा बुला लिया जाएगा। हमारी एक तरफ तो सरकार बोल रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कई बार कहते हैं कि बेटी बचाओ और गाय बचाओ, तो गाय तो खुट्टा का बांधती है और बेटी रोड पर खड़ी करती है, लेकिन सरकार हमारी तरफ कुछ ध्यान नहीं कर रही है। किसी के पास तो 90 साल की सास है बूढ़ी, किसी के पास 5 महीना का बच्चा है, तो एक तो सरकार बोलती है कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का ही दूध पिलाएं, तो ये बेटियाँ तो रोड पर बैठी हैं तो वो बच्चे को दूध कैसे पिलाएंगी। सरकार ने हमारे प्रदर्शन कर रहे थे तो उसमें एक साइड कानून को हाथ में नहीं लिया, एक साइड पर रोड पर चल रहे थे, जब भी हमारे बहनों के ऊपर लाठी चार्ज करी तो उनका सरकार ने बड़ा घिनौना काम किया हमारे साथ। बड़े शर्मसार की बात है कि हमारे लाठियां बाजी। तो कल का क्या है आप लोगों का? कल का हमारा जेल भरो आंदोलन करेंगे पूरे हरियाणा में। हाँ, पूरे हरियाणा में। बहरहाल अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे का समाधान कितनी जल्द और कब तक निकाल पाती है। सत्य खबर के लिए झज्जर से सन्नी खन्ना की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।